गुड मॉर्निंग क्लास 9, मैं मिस्टर धर्मेंद्र कुमार। आगे हम लोग 6.3 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 3 है, हम लोग यहाँ पर जो लिखा हुआ है, क्या दिया हुआ है, गिवन में दिया है ए बी पैरेलल सी डी के और बी ए सी 35 डिग्री और सी डी ई 53 डिग्री। तो बात को अच्छे समझिएगा, पैरेलल लाइन जब बोल दिया तो आपको पैरेलल लाइन का पूरा फायदा उठाना है। क्या करना है, पूरा का पूरा फायदा उठाना है। तो आप समझ में आ गए आपको कि यहां पर कैसे आपको फायदा उठाइएगा। जब आप फायदा तब उठाइएगा जब यहां पर ये AB जो पैरेलल है CD के, तो ए ही क्या होगा, ट्रांसवर्सल लाइन होगा। ए ही क्या होगा, ट्रांसवर्सल लाइन। तो इस हिसाब से ये है और ये, यानी हम लोग लिख सकते हैं सिंगल BAC बराबर होगा एंगल CA CEA के, CED के। क्यों, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट एंगल है। कब ये हो जाएंगे, When AB parallel है CD के, सॉरी D के एंड BE इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। व्हाट, ट्रांसवर्सल लाइन, ये क्या होगा, ट्रांसवर्सल लाइन होगा। तो यहां पर BAC और CED, यानी कि हमारा BAC कितना है भाई, 35 डिग्री। तो हमारा CED कितना हो जाएगा, 35। ये भी कितना आ गया, 35 डिग्री। देख कितना आसान तरीके से बन गया। अब हम लोग इस ट्रेंगल में आएंगे, इसका एंगल निकालेंगे बस। तो यस, हाँ आप सही बोल रहे हैं कि इन ट्रेंगल CDE में एंगल CDE में कौन कौन, CDE प्लस DCE प्लस CED। यस यस, सही बात है। मैं बस उसको बना के दिखा रहा हूं, CDE कितना है, 53 डिग्री। DCE नहीं मालूम हम लोग को, एंगल DCE नहीं मालूम, CED कितना मालूम, 35 डिग्री और 180 डिग्री। तो हम लोग इन दोनों को जोड़कर हम लोग इस तरफ भेजेंगे तो क्या जाएगा, ये माइनस में, वही 180 डिग्री माइनस। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 538 और 538, तो 180 में से 88 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 92 डिग्री। और ये DCE एंगल कितना आ गया, 92 डिग्री। और यही हमारा आंसर होगा। तो आई थिंक आप लोगों को बात समझ में आ गया होगा और क्वेश्चन भी पूरा तरह से क्लियरफाई हो गया होगा। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो थैंक यू।